नमस्कार, मैं अभिषेक त्याग। पिछले कुछ महीनों में खासकर विश्व कप के दौरान और बाद में खराब अंपायरिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। विश्व कप में तो खराब अंपायरिंग ने विश्व चैंपियन तक को बदल दिया, जिसके बाद अंपायरिंग के ऊपर काफी सवाल खड़े किए गए। लेकिन अंपायरिंग को बेहतर बनाने और मैदानी अंपायरों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डीन जोन्स ने ICC को एक सुझाव दिया है। जोन्स ने ICC से क्रिकेट के मैदान पर 3 अंपायर तैनात करने की सलाह दी है। उनके मुताबिक मैदान पर तैनात होने वाला तीसरा अंपायर गेंदबाज के पांव पर नजर रखेगा, जिससे कोई नो बॉल मिस नहीं हो पाएगी। जोन्स ने कनाडा में चल रही ग्लोबल T20 सीरीज में कहा, हमें एक और अंपायर मैदान पर तैनात करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हर मैच में अंपायर नो बॉल देने से चूक रहे हैं। हम फ्रंट फुट नो बॉल के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे समय और पैसा ज्यादा खर्च होगा। साथ ही तकनीक से नो बॉल देने में समय लगेगा, जबकि मैदान पर खड़ा अंपायर तुरंत नो बॉल देगा और इससे काफी पैसा और समय बचेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि वो तीसरा अंपायर खड़ा कहाँ होना चाहिए। तो डीन जोन्स ने बताया कि मैदान पर तीसरा अंपायर नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज के पीछे खड़ा होना चाहिए, जिससे वो गेंदबाज के पैरों पर ठीक से नजर रख पाएगा। उसकी नजर गेंदबाज के बैकफुट और फ्रंट फुट दोनों पर रहेगी। आपको बता दें कि आजकल मैदानी अंपायर से गलती की काफी खबरें सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा कभी बल्लेबाजी तो कभी गेंदबाजी करने वाली टीम को भुगतना पड़ता है। वैसे ICC इस तरह की गलतियों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके लिए ICC ने TV अंपायरों को पांव की नो बॉल देने के फैसले की तैयारी भी कर ली है, जिसका वनडे और T20 के दौरान ट्रायल भी किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या डीन जोन्स की सुझाव को ICC मानती है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।